देखिए, सेक्शन 336 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया था आपको, और आपको याद होगा हमने एक सेक्शन पढ़ा था 279, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई एक्ट करता है जो किसी दूसरे की लाइफ को एंडेंजर करता है, या कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट सेक्शन 279 में कवर हो रहा था। तेज गाड़ी चलाना, या सिर्फ तेज गाड़ी नहीं चलाना, पब्लिक रोड पे जहां लोग खड़े हो, जहां ट्रैफिक हो, वहां पे रैशली ड्राइव करना, ठीक है, तो वहां पे सेक्शन 279 एप्लीकेबल था। अभी सेक्शन 336 जो है, ये भी उससे ही रिलेटेड। अगर सेक्शन 336 की बेयर रीडिंग करेंगे तो वी कम टू नो दैट इट कवर एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ऑल द एक्ट्स एंडेंजरिंग द लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स कम्स अंडर सेक्शन 336। यानी सारे रश, सारे नेग्लिजेंट एक्ट जो किसी ह्यूमन की लाइफ को इंडेंजर करता है, या जो किसी की पर्सनल सेफ्टी को इंडेंजर करता है, वो इस सेक्शन में पनिशेबल होता है, चाहे भले ही उस एक्ट से सामने वाले को कोई हार्म ना हुआ हो। ये याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हार्म शुड बी डन टू द पर्सन। आप सिर्फ ऐसा कोई रैश या नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो जिससे किसी की जान को खतरा हो, जिससे किसी की पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो, चाहे भले आपके एक्ट से उसको कोई हार्म ना हो, तो सेक्शन 336 एप्लीकेबल होता है। और अगर आपके उस एक्ट से उसको हर्ट हो गया तो सेक्शन 337 लग जाएगा, और अगर आपके उस एक्ट से उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया तो सेक्शन 338 लग जाएगा। तो ये जो तीन सेक्शन है, इसको इस तरह से समझो कि तीनों में ही रैश और नेग्लिजेंट एक्ट तो आप करते हो, उस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी ह्यूमन की लाइफ इंडेंजर भी होती है, उस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से या तो किसी की पर्सनल सेफ्टी इंडेंजर होती है, बट अगर हर्ट नहीं होता है तो सेक्शन 336 होता है, हर्ट होता है तो 337, और अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 338। इस तरह से इसको याद रखो। नाउ रैशली का क्या मतलब है? रैशली मीन्स समथिंग मोर देन मेयर इनएडवर्टेंस और इनअटेंटिवनेस और वॉन्ट ऑफ ऑर्डिनरी केयर। देखिए, रैशली को कई बार हम इससे ये समझते हैं कि रैशली कोई काम करना, मतलब कि बिना केयर के करना, बिना अटेंटिवनेस के करना, बट इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, रश्मि का मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, सिर्फ इन अटेंटिवनेस नहीं, सिर्फ वॉन्ट ऑफ ऑर्डिनरी केयर नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा। और याद रहे, रश और नेग्लिजेंट एक्ट जो होता है वो कभी भी इंटेंशनल नहीं होता है, वो कभी भी इंटेंशनल नहीं होता है, क्योंकि अगर ये एक्ट आपका इंटेंशनल हो जाए, अगर ये एक्ट आपका इंटेंशनल हो जाए तो फिर आप सेक्शन 336, 337 और 338 में लायबल नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्ट है, तीनों में कंडीशन है कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होना चाहिए। और रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति खुद ऑर्डिनरी केयर नहीं करके करता है, अगर इंटेंशनली करेगा तो उसके लिए दूसरे सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में। अगर आप किसी को इंटेंशनली हर्ट करोगे तो हम आपको सेक्शन 337 में क्यों लायबल मानेंगे, है ना? इंटेंशनली हर्ट करने के लिए हम आपको वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट में क्यों नहीं मानेंगे? वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट का सेक्शन हमने देखा था 323, उसमें सजा 1 साल की होती है। यहाँ तो आप किसी को अगर अपनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से हर्ट करते हो तो आपको सिर्फ 6 महीने की सजा मिलती है, वहां 1 साल की है। तो ये चीज समझो कि ये जो आपका रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, ये इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज इंटेंशनल देन इट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 336, 37 एंड 38, ठीक है, इसको याद रखिए। अब मैंने आपको ये तो बाइफरकेशन बता दिया कि अगर हर्ट नहीं होगा तो 336 लगेगा, तो सजा जो है इसमें वो 3 महीने तक की है, फाइन जो है वो 250 रुपीज तक का है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 337 की। कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर सेम, ओनली वन डिफरेंट थिंग इज प्रेजेंट एंड दैट इज हर्ट। एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ, एक्ट इंडेंजरिंग पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, रैश और नेग्लिजेंट सब सेम है, बस फर्क इतना है हर्ट भी होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति। अब इसमें चीज होती
अगर आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, समवन डाइज बिकॉज ऑफ योर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, देन सेक्शन 304A इज अट्रैक्टेड। सेक्शन 304A उस पर लग जाता है, डेथ कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है, सिर्फ हर्ट होता है, देन दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड 337। इसका अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, हुएवर कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन बाय डूइंग एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। और इसमें मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपने किया जो हर्ट सामने वाले को, इफ दैट हर्ट इज इंटेंशनल देन सेक्शन 324 इज अट्रैक्टेड, बट व्हेन हर्ट इज कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट विदाउट इंटेंशन देन ओनली सेक्शन 337 इज अट्रैक्टेड। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 6 महीने का हो सकता है, फाइन 500 रुपए का हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। आप यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो जब सामने वाले को हर्ट नहीं हुआ था तो सजा 3 महीने की थी, जब हर्ट हो गया तो सजा 6 महीने की हो गई, तब फाइन 250 रुपए था, 250 रुपीज, अब फाइन 500 रुपीज हो गया। अब मान लो कि आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। हर्ट नहीं, ग्रीवियस हर्ट हो गया। द लास्ट सेक्शन दैट वाज 337 प्रोवाइडेड फॉर हर्ट, बट नाउ दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर ग्रीवियस हर्ट। सारे इंग्रेडिएंट सेम है, बस ग्रीवियस हर्ट एक्स्ट्रा है। सेक्शन 338 इज एप्लीकेबल व्हेन द अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 337 आर कंप्लाइड विथ एंड इन एडिशन टू दैट ग्रीवियस हर्ट इज कॉज टू समवन। पनिशमेंट यहाँ पे सीधे 4 गुना हो जाती है, मतलब 6 महीने का जो इम्प्रिजनमेंट था वो सीधे 2 साल का हो गया, और फाइन जो है वो डबल, 500 रुपए का फाइन 1000 रुपीज हो गया। दोनों भी हो सकता है, मतलब 2 मंथ 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ये सेक्शन 338 था। चलो, और एक खास बात, ये तीनों ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तीनों नहीं मतलब कि जो, हाँ कॉग्निजेबल तो तीनों है, तीनों ऑफेंस बेलेबल भी है, लेकिन जो 336 था वो नॉन कंपाउंडेबल था, बट जो 337 और 338 है वो दोनों कंपाउंडेबल है। अब ये कितनी अजीब बात है, जिसमें हर्ट हो रहा है, जिसमें ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, उसको तो कंपाउंडेबल बना के रखा हुआ है, और जिसमें सिर्फ हर्ट नहीं हो रहा है, जिसमें सिर्फ एक्ट है नॉर्मली, उसको नॉन कंपाउंडेबल बना के रखा है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बट क्या करो, इसमें अमेंडमेंट नहीं कर रहे, इसको चेंज नहीं कर रहे, वरना 336 को भी कंपाउंडेबल बना देना चाहिए। तो आप इसको याद रखना कि 336 जो है वो नॉन कंपाउंडेबल। चलिए, अब ये जो हम एक सब टॉपिक पढ़ रहे थे इसके अंदर जो रिलेटेड था, हर्ट से, और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट यहां पे आ गया, जो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339 से लेकर 348 तक हम इसको पढ़ेंगे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखो, ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे। कोई मुझे बताएगा कि रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है या कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, आईपीसी के लैंग्वेज नहीं पूछ रहा हूं। सर, कन्फाइन का मतलब तो ये होता है कि उसे हर सारी डायरेक्शन के अंदर जाने से रोक देना, और रिस्ट्रेन का मतलब ये होता है कि उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए रोकना। ठीक है, मतलब आईपीसी के लैंग्वेज में आपने बता दिया। चलिए ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं। तो सेक्शन 339 और सेक्शन 340, 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन कर देता है और 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन कर देता है। अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का जो सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग है वो है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मीन्स keeping a man out of a place where he wishes to be
और हैज अ राइट टू बी, मतलब कोई इंसान कहीं रहना चाहता है या कोई इंसान कहीं रहने का राइट रखता है, उसके पास अधिकार है वहां रहने का, बट आप उसको वहां से कहीं बाहर रख रहे, यानी जहां वो जाना चाहता है आप उसको वहां जाने नहीं दे रहे हो। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखें एकदम बर्ड आई व्यू से, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स सेपरेट आउट करें, तो पहला इंग्रेडिएंट इसका बनता है वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन, कि आपने किसी व्यक्ति को वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट किया है। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब रोकना, और वॉलंटरी आपने किया है, बाधा डाली आपने उसके रास्ते में वॉलंटरी। और दूसरा इंग्रेडिएंट यहां पे बनता है द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज अ राइट टू प्रोसीड। मतलब दो इंग्रेडिएंट यहां पे निकल के आते हैं, पहला इंग्रेडिएंट कि आपने वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन किया है उसका, आपने उसको वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट किया है, और दूसरा कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह का है कि आप उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो जहां पे जाने का उसके पास राइट है, यानी जिस डायरेक्शन में जाने का उसके पास राइट है आप उसको वहां जाने से प्रिवेंट कर रहे हो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करके। यहां पे जो वॉलंटरी वर्ड है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी का मतलब होता है आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो। सपोज करो कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो और आपके पास उस व्यक्ति को पकड़ने की अथॉरिटी है, तो आप उसको कहीं भी जाने नहीं दोगे, तो उसको रॉन्गफुल रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे जो आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो वो वॉलंटरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, देयरफॉर द वर्ड वॉलंटरी इज सिग्निफिकेंट। इट शोज दैट द ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी डायरेक्ट, द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, इट शुड बी अ फिजिकल वन, दे शुड हैव कॉमन इंटेंशन टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देखो, इसका एक इलस्ट्रेशन देखो। ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक दीवार खड़ी कर दी एक रास्ते पे जहां से जेड गुजरता था, और जेड के पास अधिकार भी है उस रास्ते से गुजरने का। ठीक है, मतलब अपन सोच सकते हैं कि ये जो जेड के पास राइट है उस रास्ते से गुजरने का, ये वो डायरेक्शन है जहां पे जेड के पास जाने का राइट है। मतलब देखो ये वाला इंग्रेडिएंट आ गया, एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज अ राइट टू प्रोसीड, है ना, ये आ गया जेड के पास उस रोड पे जाने का राइट है। और ए ने क्या किया, ए ने उस रास्ते पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, एक दीवार बना दी, यानी ए ने क्या कर दिया, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। और ये जो वॉल बनाई है, ये जो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन किया है, इससे क्या हुआ, टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग, वो जो जेड है ना वो वहां से उस रास्ते से गुजर नहीं पाएगा। मतलब देखो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हुआ दीवार का बनाना, उस डायरेक्शन से जाने का अधिकार भी हुआ जेड के पास, राइट टू पास, और दीवार के बनने से जेड वहां से नहीं जा पाएगा, मतलब जेड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन। तीनों चीजें हो गई, और तीनों चीजें हो गई मतलब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए, देयरफॉर ए रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट्स जेड, इसलिए ए ने जेड को क्या कर दिया, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया। राइट, समझ में आया होगा आप लोग को। एक्सेप्शन है यहां पे, एक एक्सेप्शन है यहां पे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आपका कोई प्राइवेट रास्ता या कोई आपका लैंड या फिर आपका कोई वाटर सोर्स, चाहे फिर वो कुआ हो, छोटा सा तालाब हो, आपका हो सकता है पर्सनल, आपने अपनी जगह पे बनवा रखा है, तो वो आपका प्राइवेट है। अब वहां से अगर आपने कोई प्राइवेट रास्ता बना रखा है अपने यूज के लिए, ठीक है, उस लैंड से, उस वाटर से आपने कोई प्राइवेट रास्ता बना रखा है अपने यूज के लिए, और अगर कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति उस पे से गुजरने की कोशिश करता है, तो आप वहां पे गुड फेथ में उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो लॉफुल राइट है ना ऑब्स्ट्रक्ट करने का, आपका घर होता है, आपका मकान होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी बुला के उसके अंदर रहने दोगे, बिकॉज इट इज योर राइट, इट इज योर लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट अदर पीपल ऑन योर प्राइवेट लैंड, ऑन योर प्राइवेट वे।
तो वहां पे अगर गुड फेथ में आप उस व्यक्ति को रोक लेते हो ये सोच के कि ये मेरा प्राइवेट वे है, ये मेरा प्राइवेट लैंड है, यहाँ पे किसी और को नहीं जाने दूंगा, तो वहां पे आप रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं कर रहे हो, इस चीज को याद रखिएगा। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ गया, आप रैमफुल कंफाइनमेंट पे आ जाओ, सेक्शन 340 पे आ जाओ। सेक्शन 340 रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। अब देखो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट जो है ना वो एक थोड़ा सा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की ही एक स्पीशी, पहले तो ये समझ, मतलब अगर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट समझ में आया होगा तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट भी समझ में आ जाएगा। इट इज अ स्पीशी ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, जहां रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में आपने सामने वाले की सिर्फ एक पार्शियल सस्पेंशन किया था उसकी लिबर्टी का, यहां रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आप उसकी लिबर्टी का टोटल सस्पेंशन कर देते हो। मतलब सपोज करो कि आपके पास 10 पावर है, मैंने एक पावर छीनी, तो मैंने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया, और मैंने 10 की 10 पावर छीन ली आपकी, तो मैंने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया। एग्जाम्पल मेरा थोड़ा सा अजीब है बट समझने के लिए काफी है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर लिबर्टी को छीना जाता है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहा जाता है, और अगर सारी की सारी लिबर्टी छीन ली जाती है, टोटल सस्पेंशन कर दिया जाता है लिबर्टी का, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। एंड रिमेंबर दैट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इट इज कीपिंग अ मैन विद इन द लिमिट्स आउट ऑफ विच ही विशेस टू गो एंड हैज अ राइट टू गो। उसमें आप मैन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने से मना कर रहे थे। मतलब मैंने मेरा मेरे पड़ोस में एक रोड है, मैंने उस रोड पे दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी, मैंने किसी व्यक्ति को वहां से घुसने नहीं दिया, तो ये तो मैंने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया। बट वो व्यक्ति उस दीवार से ना जाते हुए, उस रोड से ना जाते हुए पलट के किसी दूसरे रोड से चले जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कि आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसको रोका है, बाकी की जगह उसके लिए ओपन है, भाई तू कहीं और से जा। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप क्या करते हो, उसको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइन कर लेते हो और उसको उस जगह से निकलने ही नहीं देते हो। यानी आपने उसको 4 दीवारों में कैद कर लिया, वो कहीं जा ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके इंग्रेडिएंट क्या, इसका पहला इंग्रेडिएंट ये है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो होना ही चाहिए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन। सेकेंड, सच रेस्ट्रेंट मस्ट प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, ये समझो। सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर लिमिट आपने जिसके अंदर उसको कन्फाइन किया है। मतलब यहां से 4 मीटर आगे जा सकता है, यहां से 4 मीटर आगे जा सकता है, यहां से भी 4 मीटर जा सकता है, पीछे से भी 4 मीटर जा सकता है, इसके आगे तू नहीं जा सकता, बस इतनी ही लिमिट में हमने तुझे कन्फाइन कर दिया है। तो पहला इंग्रेडिएंट की रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट की वो रेस्ट्रेंट इस तरह का होना चाहिए कि आपने उसमें उस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर रख लिया है, उसके बाहर वो जा नहीं सकता, उसके बाहर वो जा नहीं सकता। द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 340 ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल इज रॉन्गफुली रेस्ट्रेंड इन सच अ मैनर सो एज टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड द सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ स्पीशी ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट देयर इज ओनली अ पार्शियल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी, बट इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर इज टोटल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी। द टाइम ड्यूरिंग व्हिच अ पर्सन इज कैप्ट इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज इमटेरियल एक्सेप्ट विथ रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट। आपने किसी व्यक्ति को कितनी देर के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा है वो इमटेरियल चीज होती है। 5 मिनट के लिए भी रखोगे तो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, 5 दिन के लिए रखोगे तो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। बस टाइम आपकी पनिशमेंट को डिफाइन करता है कि अगर 5 मिनट के लिए रखोगे तो पनिशमेंट कम मिलेगी, 5 दिन के लिए रखोगे तो पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इस चीज के लिए प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस उस पे लग जाती है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। और अगर किसी को रॉन्गफुली डिटेंशन में रखा जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, तो उस व्यक्ति को फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन मिल जाती है। पहली चीज तो डिटेंशन से छुड़वा दिया जाता है, ऊपर से उसको कंपनसेशन भी दिया जाता है रॉन्गफुली डिटेन करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं,
ए नाम का एक व्यक्ति था, उसने जेड नाम के एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर दीवार के बीच में, एक पर्टिकुलर वॉल्ड स्पेस के बीच में छोड़ दिया और वहां पे लॉक कर दिया। मतलब जैसे दो दीवारें बनी हुई थी उनके बीच में छोड़ दिया, आगे से भी गेट लगा दिया, पीछे से भी गेट लगा दिया, लॉक कर दिया उसके अंदर। मतलब एक तरह से ए ने उस वॉल का जितना एरिया है सीधा सीधा बस उतने के अंदर जेड को छोड़ दिया, उसके अलावा जेड वहां से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट बन गई ना वो वॉल। तो यहाँ पे ए ने जेड को क्या करा, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया। तो दिस इज वॉट वी कॉल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि आपने किसी व्यक्ति की बिल्डिंग में जाके वहां पे कुछ बम वगैरह रख दिए और बाद में उसको फोन करके कह रहे हो कि मैंने तेरी बिल्डिंग में बम रख के रखा हुआ है। अगर तूने बिल्डिंग लीव करने की कोशिश करी, अगर तूने बाहर निकलने की कोशिश करी तो मैं वो बम फोड़ दूंगा। तो इस तरह से आप उसको उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने के लिए कह रहे हो, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया बाहर निकलने के लिए, यानी आपने उसको उस बिल्डिंग की सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर रख लिया, बाहर निकलने से मना कर दिया। तो आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया। अब ये जो दो सेक्शन पढ़े 339, 340, एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन कर रहा था, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन कर रहा था। अब जो 341 और 342 आते हैं वो इन दोनों की पनिशमेंट बताते हैं। मैंने आपको बताया कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर लिबर्टी छीनी जाती है, बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सारी लिबर्टी छीन ली जाती है। तो इसलिए सजा में भी फर्क आता है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट जो है वो 1 month तक की हो सकती है, फाइन 500 रुपीज तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट 1 year तक हो सकती है, फाइन 1000 रुपीज तक हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। सजा 12 गुना ज्यादा है यहाँ पे, देखो 1 महीना और 1 साल 12 गुना का डिफरेंस होता है, फाइन में डबल का डिफरेंस है, 500 का 1000 हो गया। तो 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट बताता है, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट बताता है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के थोड़े एग्रेवेटेड फॉर्म्स भी होते हैं। एग्रेवेटेड फॉर्म्स यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 or more days, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 or more days। यानी मैंने आपको बताया था ना कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कितने टाइम के लिए हुआ ये इमटेरियल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन के लिए होगा तो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, 2 घंटे के लिए होगा तो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, लेकिन कितने दिन तक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है इससे कितनी सजा मिलना चाहिए वो पता लगाया जाता है। यानी जितने दिन के लिए किया उतना बड़ा ऑफेंस और उतनी ज्यादा सजा। यानी अगर आपने 3 या 3 से ज्यादा दिन के लिए किया है, 3 या 3 से ज्यादा दिन के लिए अगर किया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो उस केस में सजा जो है वो 2 साल तक की हो सकती है, फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। मतलब 2 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन और बोथ। देखो जिन जिन जगहों पे मैं सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लिखता हूँ ना, वहां समझ जाया करो कि इम्प्रिजनमेंट कैन बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी सिंपल भी हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जो आपका इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए जो इम्प्रिजनमेंट आपका था वो सिंपल था। इस चीज को मार्क कर लेना, यहाँ पे आपने इसका ध्यान नहीं दिया होगा, बट ध्यान देना कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का जो 1 महीने की सजा थी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट था। ठीक है, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट दोनों की चॉइस आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मिलती है, लेकिन रेस्ट्रेंट में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। छोटा सा ऑफेंस है, 1 महीने की सजा है, रेगुलर देके क्या करो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दो। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा दिन के लिए अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। और अगर 10 या 10 से ज्यादा दिन के लिए किया है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अभी तक देखो फाइन ऑप्शनल था या इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल थी, यानी इम्प्रिजनमेंट और फाइन में से कोर्ट को जो ठीक लगे कोर्ट वो कर सकती थी, दोनों भी दे सकती थी। बट यहाँ पे अगर 10 दिन या 10 से ज्यादा दिन के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपने किसी का कर दिया तो फिर तो आपको सजा मिलना ही मिलना है और एडिशनल में फाइन भी लगना ही लगना है, ऑप्शनल चीज है ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का हो सकता है और फाइन जो है उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। अब आप समझो यहाँ पे 3 or more लिखा था, बट इस 3 or more में सिर्फ 10 तक का आएगा। क्यों? क्योंकि 10 और 10 से ज्यादा तो यहाँ पे अलग से सेक्शन दे दिया ना। तो आप कह सकते हो कि सेक्शन 343 में 3 से लेकर 10 दिन तक का है और 344 में 10 से लेकर 10 से ज्यादा जितना भी हो। फिर और एग्रेवेटेड फॉर्म्स आ जाते हैं इसके।
अगला aggravated form क्या बोलता है? wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued. मैंने आपको बताया था ना कि wrongful confinement के लिए court habeas corpus के writ भी issue कर सकती है आपको छुड़वाने के लिए, right? तो अगर मान लो कि किसी को छुड़वाने के लिए उसकी writ issue हो चुकी है, writ of habeas corpus वहां पे issue हो चुका है उसको छुड़वाने के लिए, but उसके बाद भी आप उस व्यक्ति को wrongfully confine करके बैठे हुए, you are confining a person for whose liberation a writ has been issued, तो अब सजा और ज्यादा आपको मिलेगी. Whoever keeps any person in wrongful confinement, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, shall be punished under this section. अब देखो इस section की सजा बड़ी interesting है. पहली बार देखोगे IPC के अंदर सजा में सिर्फ इतना लिखा है कि imprisonment may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter. मतलब क्या समझे इसका? इसका मतलब ये समझे कि अगर किसी व्यक्ति को छुड़वाने के लिए writ issue हो चुकी है, फिर भी आप उसको wrongfully confined करके बैठे हो, तो आपको wrongful confinement के जो भी सजा मिलना थी, आप उस व्यक्ति को सपोज करो 3 दिन से पकड़ के बैठे हो, है ना? आप उस व्यक्ति को 3 दिन से कन्फाइन करके बैठे हो, तो मुझे बताओ 3 दिन से कन्फाइन करने पे कितनी सजा मिलती है आपको? कितनी सजा मिल सकती है 3 दिन तक कन्फाइन करने पे? सजा मिल सकती है सर, कितनी? 2 साल. 2 साल तक की, राइट? सपोज करो आपको मैक्सिमम मिल गई, 2 साल ही मिल गई, ठीक है? आपने उसको 3 दिन तक रखा, आपको 2 साल की सजा वहां पे मिल गई, बट इन 3 दिनों में क्या हुआ? इन 3 दिनों में ना उसको छुड़वाने के लिए रिट इशू हो चुकी थी. इन 3 दिनों में उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए कोर्ट ने रिट इशू कर दी थी, उसके बाद भी आपने उसको नहीं छोड़ा. तो एक ऑफेंस तो आपने किया उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज के लिए, और दूसरा ऑफेंस आपने किया कि रिट हैज बीन इशूड, देन ऑल्सो यू आर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग. मतलब सेक्शन 343 तो लगा ही है, साथ में 345 भी लग गया. तो 343 में तो जो 2 साल की सजा मिली है वो ठीक है, बट रिट इशू होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ने के लिए आपको एडिशनल 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है. यानी एडिशनल में 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और ऐड किया जा सकता है. देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल का ही किया जाएगा, 6 महीने का किया जा सकता है, 7 का किया जा सकता है, 1 का किया जा सकता है, मैक्सिमम 2 का किया जा सकता है. तो अगर अपन दोनों केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर लगा लें तो 2+2 4 इयर्स आपका हो जाता है. यानी किसी व्यक्ति को 3 दिन तक रॉन्गफुली कन्फाइन करो और उसकी रिट इश्यू होने के बाद भी उसको कन्फाइनमेंट पर रखो, तो मैक्सिमम 4 साल का इम्प्रिजनमेंट आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है? फिर आ जाओ सेक्शन 346 पे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट. अब की बार आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो बड़े सीक्रेटली, खैर ये तो बड़ी अजीब बात है, सीक्रेटली करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो, बट कई बार रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप ओपनली भी कर देते हो, है ना? तो ये सीक्रेटली की बात करता है. ये कहता है whoever wrongfully confine any person in such a manner so as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant or that the place of such confinement may not be known or to discovered by any such person or public servant as mentioned shall be punished under this section. यानी इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप किसी व्यक्ति को wrongfully confine कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि आप उसके कन्फाइनमेंट को एक सीक्रेट रखना चाहते हो. आप चाहते हो कि उसके किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति को मालूम ना पड़े कि इसको मैंने कहाँ छुपाया है. आप चाहते हो कि किसी पब्लिक सर्वेंट को मालूम ना पड़े कि मैंने इसको कहाँ छुपाया है. आप चाहते हो कि वो जिस जगह पे आपने छुपाया है वो जगह किसी को मालूम ना पड़े या वो जगह पब्लिक सर्वेंट डिस्कवर ना कर पाए. आपने ऐसा चाहा, यानी आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया और आप उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाले व्यक्ति को उस प्लेस को सीक्रेट रखना चाहते हो ताकि किसी को पता ना चले, तो उस केस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एडिशनल 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट भी ऐड किया जा सकता है क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को आपने सीक्रेट रखने की कोशिश करी है. 99% केसेस में यही होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को सामने वाला सीक्रेट रखने की ही कोशिश करता है, ओपनली क्यों रखेगा, ठीक है? तो एडिशनल 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एड ऑन किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा. फिर आता है सेक्शन 347 और 348. फिर से 2 aggravated forms wrongful confinement के. अब की बार यहाँ पे बात हो रही है wrongful confinement to extort property or to constrain to an illegal act. यहाँ पे आप किसी को wrongfully confine करके रखते हो ताकि आप उससे उसकी property या उससे उसकी valuable चीज
छीन सको, या आप उससे कोई इलीगल एक्ट करवा सको, या उसको कोई इलीगल एक्ट करने के लिए बोल सको, या किसी इलीगल एक्ट का कमीशन आप करवा सको उससे। तो सपोज करो कि आपने किसी व्यक्ति को अगर रॉन्गफुली अपने कब्जे में रखे रखा है, कन्फाइन करके रखा है, इस पर्पज से कि आप उससे कोई चीज चुरा लोगे, इस पर्पज से कि आप उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लोगे, इस पर्पज से कि आप उससे कोई इलीगल चीज करवाओगे, या इस पर्पज से कि आप उससे किसी ऑफेंस के कमीशन को करवाओगे, तो वहां पे आप पे सेक्शन 347 एप्लीकेबल होगा। और उस केस में जो आपकी सजा है ना, वो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस एडिशनल फाइन। मतलब यहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं है कि आपको सिर्फ फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा, 3 साल की सजा तो मिलना ही मिलना है, 3 साल तक की तो सजा मिलना ही है। और 348 जो है वो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल द रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको कल भी बताया था ये कि एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल द रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है। देखो फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को कन्फेस करवाने के लिए कब्जे में रखते हो, आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करा और आप उसको बोल रहे हो कि देख एक्सेप्ट करके तूने मर्डर किया है तो तेरे को छोड़ दे, यानी आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में रख रहे हो ताकि वो कुछ चीज को कन्फेस कर ले, या वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे किसी ऑफेंस के होने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है, या फिर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप उससे रिस्टोर करना चाहते हो जिसकी जानकारी उसको है, तो आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया ये पूछताछ करने के लिए, तो वहां पे आप एक सेक्शन 348 का ऑफेंस कर रहे हो, आपको उसमें 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन लगाया जाएगा। आप देखोगे ध्यान से अगर तो आपको आखिरी के 2 सेक्शन की सजा सेम दिखाई देगी, दोनों में 3-3 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती दोनों में, बस दोनों के इंग्रेडिएंट अलग है, एक तरफ आप प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए करते हो, एक तरफ आप कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए करते हो, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन 348 भी कंप्लीट हो गया। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसको हम रॉन्गफुल रेस्टोरेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको हम कहते हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट यानी आपराधिक बल और हमला। क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो क्रिमिनल नेचर का हो, यानी आपराधिक नेचर का हो, और असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना। सेक्शन 349 से लेकर सेक्शन 358 तक हम इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 349 सेक्शन 349 डिफाइन फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स क्या होता है। अगर बेयर रीडिंग करोगे तो पता चलेगा कि अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनादर इफ ही कॉजेस मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर पर्सन, और दैट ही कॉजेस टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस इन टू कॉन्टेक्ट विथ एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी और विथ एनीथिंग which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि क्या चल रहा है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बोले फोर्स का मतलब होता है कि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी चीज की है जिससे वो व्यक्ति के अंदर मोशन हुआ, या उसका मोशन चेंज हो गया, या उसका मोशन हो रहा था तो वो रुक गया, मोशन होना बंद हो गया, या फिर उसके पास कोई सब्सटेंस था, जो सब्सटेंस में मूवमेंट हुआ, या उस सब्सटेंस के मूवमेंट में चेंज हुआ, या उस सब्सटेंस का मूवमेंट रुक गया, या कोई ऐसी चीज जो उसने पहन रखी हो या उसने कैरी कर रखी हो, आपने वो चीज उससे छीन ली, या आपने उससे वो चीज के साथ जो उसका सेंस था उसको अफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा हुआ था, आपने उसको धक्का मार दिया, वो व्यक्ति गिर गया, वो खड़ा हुआ था, रेस्ट पे था, आपने उसको धक्का मारा तो उसका मोशन चेंज हो गया, वो रेस्ट से हट के थोड़ा सा मोशन में आया और गिर गया, यानी आपने उस पर फोर्स यूज किया। कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा था,
आपने उसको ऐसे हाथ अड़ा के रोक लिया, यानी आपने उसके मोशन को स्टॉप कर दिया, सेसेशन ऑफ मोशन, आपने उस पर फोर्स यूज किया। कोई व्यक्ति सीधा सीधा जा रहा था, आपने उसको धक्का मार के डायरेक्शन बदल दी उसकी, चेंज ऑफ मोशन कर दिया, आपने फोर्स यूज किया। कोई सब्सटेंस उस व्यक्ति के पास था, वो सब्सटेंस को आपने उठा के फेंक दिया, वो सब्सटेंस को आपने उससे छीना और उठा के फेंक दिया, यानी आपने सब्सटेंस में मोशन कर दिया, आपने वहां भी फोर्स यूज किया। कोई व्यक्ति कुछ पहन के जा रहा था, कुछ कैरी करके जा रहा था, आपने वो उसकी चीज उससे छीन ली और फेंक दी, आपने फोर्स यूज किया। वो व्यक्ति कुछ सामान हाथ में कैरी करके ले जा रहा था, आपने उससे वो सामान छीन लिया, आपने फोर्स यूज किया। यानी एक तरह से कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट करना जो सामने वाले का सेंस ऑफ फीलिंग अफेक्ट करे, मतलब कहा जाता है कि आपने फोर्स यूज किया। फोर्स के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज कॉस्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन यूजिंग द फोर्स। मतलब जो व्यक्ति फोर्स यूज कर रहा है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए और जिस व्यक्ति पे फोर्स यूज हो रहा है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। और ये जो आप सामने वाले व्यक्ति में मूवमेंट कर रहे हो, ये मूवमेंट आप तीन तरह से कर सकते हो। कौन से तीन तरीके से? एक तो अपनी खुद की बॉडी की पावर से जाके उसको आपने ऐसे पंच कर दिया और गिरा दिया, यह आपने अपनी बॉडी की पावर से उस पर फोर्स यूज किया है। तो एक फोर्स तो आप अपनी बॉडी पावर से कर सकते हो। दूसरा फोर्स बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच मैनर दैट द मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट। कोई ऐसा सब्सटेंस उसके पीछे छोड़ देना, कोई ऐसा सब्सटेंस उसके साथ छोड़ देना जिससे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति में मोशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को जिस जगह पे वो खड़ा था, जिस रूम में वो व्यक्ति खड़ा था, आपने वहां पे बेहोशी की दवाई हवा में उड़ा दी। ठीक है, वो व्यक्ति चला जा रहा था उधर रूम से, आपने उस रूम में बेहोशी की दवाई उड़ा दी, या कोई भी ऐसा लिक्विड आपने वहां पे उड़ा दिया जिसको वो इनहेल करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। तो आपने एक सब्सटेंस वहां पर डिस्पोज कर दिया, आपने वहां पर बेहोशी की दवाई उड़ा दी, वो व्यक्ति वहां से निकला, उसने इनहेल करा, उसका मोशन रुक गया, यानी वो पहले मूवमेंट कर रहा था, वो चल रहा था, बेहोश होकर गिर गया, यानी आपने उसके मोशन को स्टॉप कर दिया, आपने फोर्स यूज किया। बट यहाँ पे आपने फोर्स अपनी बॉडी की पावर से नहीं किया, यहाँ पे आपने फोर्स बाय डिस्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस किया, इसको भी फोर्स यूज करना बोलेंगे। और तीसरा फोर्स होता है किसी एनिमल को इंड्यूस करना सामने वाले को मूव करवाने के लिए। आप उसके पीछे कुत्ता छोड़ रहे हो, आप उसके पीछे कोई एनिमल छोड़ रहे हो जिसके कारण उसका मोशन चेंज हो रहा है, तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो ये मोशन आप सामने वाले में तीन तरह से करवा सकते हो, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, तीनों 349 सेक्शन में लिखा हुआ है। अभी रिजॉइन कर लो, फिर आगे बताता हूँ।